क्या अब्दू ने अपनी सगाई की झूठी खबर फैलाई थी? क्या अब्दू की सगाई सिर्फ और सिर्फ एक पीआर स्टंट था? सोशल मीडिया पर इस तरीके के कई दावे वायरल हो रहे थे, जिस पर अब्दू ने रिएक्ट किया है और बताया है कि आखिर सच्चाई क्या है। अब्दू रोजिक ने हाल ही में अपनी शादी करने का फैसला किया। सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर उन्होंने बताया कि उनकी शादी कब होने वाली है और कौन उनकी दुल्हनिया बनने वाली है। 19 साल के अब्दू की शादी की जब से खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, फैंस काफी खुश हो गए। लेकिन कुछ लोगों को शक था कि शायद ये उनका कोई पीआर स्टंट हो या फिर कोई प्रमोशनल वीडियो, जैसा कि आजकल सीरियस कॉमेडी लोग कर ही रहे हैं, सरप्राइज देते हैं, बाद में पता चलता है कि बात कुछ और ही थी। दरअसल तजाकिस्तान के मशहूर सिंगर अब्दू रोजिक को इंडिया में काफी पॉपुलैरिटी मिली। जब से वो बिग बॉस 16 का हिस्सा बने, उसके बाद से उनकी पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा हुआ। इसके बाद उन्हें सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में देखा गया। अब अब्दू अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं और सातवें आसमान पर हैं, क्योंकि उन्होंने अमीरा नाम की लड़की से सगाई कर ली है जो शारजा की रहने वाली है। अब्दू रोजिक जनवरी 2024 में दुबई में अपनी मंगेतर अमीरा से मिले और जल्द ही दोस्त बन गए। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और 24 अप्रैल 2024 को शारजा में उनकी सगाई हो गई। इसकी फोटोज जल्द ही इंटरनेट पर छाने लगी और लोगों ने दावा किया कि अब्दू और अमीरा की सगाई की रिपोर्ट सिर्फ एक पीआर प्रैक्टिस थी, यानी एक पब्लिसिटी स्टंट था। हालांकि ऐसी सभी रिपोर्टों को खारिज करते हुए ई टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में अब्दू ने बताया कि वो किसी भी म्यूजिक वीडियो या उनके काम का प्रचार नहीं कर रहे हैं और कहा कि लोगों को ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा होगा कि उनके जैसे छोटे आदमी को प्यार मिला है। उस बातचीत में अब्दू ने कम उम्र में शादी करने के अपने फैसले के बारे में बात की। 20 साल के अब्दू ने शेयर किया कि एक फूड जॉइंट पर अमीरा से मिलने के बाद उन्हें तुरंत उनसे प्यार हो गया। इस बारे में बात करते हुए उनकी प्रेमिका कितनी समझदार हैं, अब्दू ने कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि आखिरकार मुझे प्यार मिल गया। मैं अमीरा से एक रेस्टोरेंट में मिला और मुझे तुरंत वो पसंद आ गई। वो सुंदर हैं, उसके लंबे बाल हैं और सुंदर आंखें हैं। हम एक दूसरे को 4 महीने से जानते हैं। वो बिजनेसमैन एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट है, वो बहुत समझदार है और हमारे बीच अच्छी बॉन्डिंग है, इसलिए मैंने इसे अगले लेवल पर ले जाने का फैसला किया। अब्दू ने खुलासा किया कि उनके और उनकी मंगेतर के बीच ऊंचाई का अंतर उनके रिश्ते में कभी भी समस्या पैदा नहीं करता। इसके अलावा उनसे उनकी मंगेतर और उनकी हाइट के डिफरेंस के बारे में भी पूछा गया। इस पर उन्होंने बताया कि कैसे अमीरा से छोटे होने के बावजूद ये बात उनके रिश्ते के बीच कभी नहीं आई। 4 फीट से थोड़े कम लंबे अब्दू ने बताया कि उन्हें लगता था कि उनके लिए अपना पार्टनर ढूंढना मुश्किल होगा। अब्दू ने कहा, मैं 115 सेंटीमीटर लंबा हूं जबकि वो 155 सेंटीमीटर यानी 5 फीट लंबी हैं। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो दिव्यांग हैं और उन्हें अपना साथी मिल ही जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दू रोजिक और उनकी मंगेतर अमीरा 7 जुलाई 2024 को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उनकी शादी दुबई में होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे अब्दू रोजिक के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।